अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल एक भाई का मैसेज आया हुआ था कि वो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें से बहुत गंदी आवाज़ आती है, एक अजीब सी आवाज़, डिस्टर्बिंग टाइप साउंड नहीं होती वो, शोर वाली। वो तो उस सिलसिले में बता दूं आपको कि आपने क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है लंबा सा, और उस या कोई और चीज़ इस तरह की जो ज़रा लंबी हो, और उसके बाद आपने ये, आपको मैं दिखाता हूँ, ये ग्रीस है। आपने स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, मुझे तो आदत हो गई है तो मैं यूज़ कर लेता होता हूँ हाथ से भी। ये आप देख रहे हैं, ये आपको सामने जनरेटर की बेल्ट नज़र आ रही होगी। सिंपली यहाँ से हाथ डालना है, ये देख रहे हैं, और ये, और आपने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस बेल्ट के नीचे आपने ग्रीस कर देनी है। एक दफ़ा भी कर देंगे तो काफ़ी हो जाएगी। दूसरा, आपने स्टेयरिंग को पूरा कट करना है, ये स्टेयरिंग कट हो गया, और ये आपको सामने बेल्ट नज़र आ रही है एसी की, इसको ये ग्रीस लगा दी, देख रहे हैं आप, बस यही काम है। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली जब ख़ास तौर पे जब बारिश वाला मौसम होता है या ज़्यादा गाड़ी वॉश होती रहती है और फिर बेल्ट से होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, इससे ना आपको एक और डिफरेंस भी फील होगा, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो इंजन की आवाज़ है वो भी स्मूथ हो जाएगी। मतलब सिर्फ ये दो बेल्ट्स हैं, इनको जब आप ग्रीस करेंगे तो इंजन की आवाज़ जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। होता क्या है, ये जो एसी की बेल्ट है ये ड्राई हो जाती है, और दूसरी ये जनरेटर की बेल्ट जो है वो ड्राई हो जाती है, और जब हम थोड़ी सी ग्रीस लगाते हैं तो वो ग्रीस जब सर्कुलेट करती है तो उसकी सर्कुलेशन के साथ साथ सारी बेल्ट के ऊपर खुद ब खुद मिक्स हो जाती है, या मतलब सारी को तर कर देती है। तो ये फ़ौरी तौर पे आवाज़ ख़त्म शायद ना भी हो, लेकिन जब आप ड्राइव करके आएंगे तो ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब थोड़ी गाड़ी चलती है तो यहाँ पे हीट पैदा होगी, हीट ग्रीस को नरम करेगी और सारी बेल्ट तक जो है ग्रीस खुद ब खुद पहुँच जाएगी। तो ये आपने देख लिया है, ये बड़े इजीली